गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर 9. द नेम ऑफ चैप्टर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे आपको जो पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया का जो है वेदर दे रखा है. वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स. द कंडीशन ऑफ द डे मे चेंज फ्रिक्वेंटली इवन फ्रॉम आवर टू आवर. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ ब्राइट एंड सनी डे विद नो साइन ऑफ रेनफॉल. By the time you leave school, it may rain and get you completely drenched. This happen when the weather change. Hence, weather can be defined as the condition of the atmosphere of given place at a particular time. यहाँ पे जो है वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है. कई बार हम देखते हैं कि जो है एकदम जो है आसमान जो है एकदम साफ दिखता है और अचानक से बारिश होने लग जाती है. तो ये सडन इसमें जो चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे वेदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, सनी, पार्टली सनी, पार्टली क्लाउडी, सन एंड रेन, रेनिंग, ये जितने भी आपको यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ये क्लाउडी, स्नोइंग, वाइंडी, रेनबो, ये सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग वेदर जो है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं. द डिटेल ऑफ द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम अ वेदर रिपोर्ट. अ वेदर रिपोर्ट टेल यू द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड क्लाउड कवर. देयर आर द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर. When some weather condition remain for a long period of time, it's called climate. यहाँ पे जो weather report है वो किसी भी area की minimum, maximum temperature, rainfalls, wind speed, cloud cover, humidity, इन सबको जो है represent करती है, बताती है. When some weather condition remain for a long period of time, it is called climate. जब कोई जो weather जो है उसके conditions long time तक रहती हैं तो उसका वहाँ का climate जो होता है. The change in weather affects the people and their lifestyle. When the temperature is high, it is hot. We wear cotton and light colored clothes. When there is heavy rainfall, we carry umbrellas and wear a raincoat. We cancel outdoor plan and stay indoor. जब कभी बहुत तेज़ जो है अगर हम बात करें, व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इट इज़ हॉट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड जो है हम कॉटन एंड लाइट कलर के जो है कपड़े वेयर करते हैं. और जब कभी बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला रखते हैं एंड जो है रेनकोट वेयर करते हैं और बाहर आउटडोर का जो प्लान है उसको कैंसिल कर देते हैं. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट पीपल, एनिमल, प्लांट्स. क्लाइमेट जो है वो पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स सबको अफेक्ट करता है. सम प्लांट्स नीड टू बी शो राइट बिफोर द रेनी सीजन सो दैट द रेन प्रोवाइड्स वाटर नीडेड फॉर इरीगेशन एट द करेक्ट टाइम. एनिमल्स लाइक कश्मीरी गॉट्स grow soft fur on their underbelly only in winter months, so keep them warm. People wear woolen clothes in winter and cotton clothes in summer. लोग जो हैं, people जो हैं वो in winter season जो हैं क्लोथ्स पहनते हैं, जो है वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं. समर सीजन में जो है ये कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. डिफरेंट वेदर एलिमेंट नीड टू monitored and recorded regularly to determine the climate of the particular place. जो different weather elements जो हैं, अगर हम किसी जगह के अगर हम बात करें वहाँ के climate की, तो वहाँ का जो climate है या वहाँ का जो weather है या weather report जो ली जाती है वो किसी एक दिन की report नहीं होती, वो एक data collection होता है जो बहुत लंबे time तक का. फर्स्ट हम इसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं. टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट इट रिसीव फ्रॉम द सन. किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है सन से, उस एरिया में कितनी हीट मिल रही है उसको. ऑन अ संडे, ऑन अ सनी डे, द स्काइज आर क्लियर. जो सनी डे होता है स्काई एकदम क्लियर होती है. द सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस कॉजेज द अर्थ to get heated up to more directly. At night the weather is cooler than during the day because there are no sun rays. जब जो है स्काई एकदम क्लियर होता है तो जो सन की जो हीट है वो डायरेक्ट रेज की फॉर्म में जो है अर्थ की सरफेस पर डायरेक्ट आती है. एंड नाइट में जो है सन रेज नहीं होने से वो जो है इन्वायरमेंट एकदम कूलर हो जाता है, कूल हो जाता है.
द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर. जो टेम्परेचर है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट उसका किया जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. जिस थर्मोमीटर से हम दिन के टाइम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, जो थर्मोमीटर होता है इसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं. एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है उससे जो है वेदर का जो टेम्परेचर है उसको नोट किया जाता है. सेकंड एलिमेंट ऑफ वेदर इज़ ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस. जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो जो है उस जगह की ह्यूमिडिटी होती है. द एरिया नियर द सी हैव हायर ह्यूमिडिटी देन लैंड लॉक्ड एरिया. जो सी एरिया जो होते हैं वहाँ के जो है एयर के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. अगर हम लैंड लॉक्ड एरिया की बात करें, ह्यूमिडिटी हायर ऑन ए रेनी डे देन ऑन ड्राई सनी डे. अगर हम रेनी डे की बात करें एंड सनी डे की बात करें, तो जो बारिश होती है बारिश के बाद ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड अगर हम बात करें एकदम क्लियर वेदर है जो है स्काई एकदम क्लियर है तो ह्यूमिडिटी जो है वो कम अमाउंट में होती है. ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हाइग्रोमीटर. ये जो हाइग्रोमीटर है इसके थ्रू किसी भी, अगर हम बात करें किसी भी एरिया के जो एयर जो है उसके अंदर ह्यूमिडिटी का अमाउंट जो है मेजरमेंट किया जाता है. हाई ह्यूमिडिटी ऑन ए वेदर रिपोर्ट मींस मोर चेंजेस ऑफ रेनफॉल. अगर वेदर की रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें हाई ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब इट मींस मोर चेंजेस ऑफ रेनफॉल. अब देखिए यहाँ पे आज हमने जो ह्यूमिडिटी, इसमें हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे कई सारे इसके एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर एंड बात करी इसकी ह्यूमिडिटी की. नेक्स्ट एलिमेंट आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. थैंक यू.